हेलो फ्रेंड, कैसे हो? अच्छे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य, मैं छत में थी पर लक्ष्य अभी आ रही है। तो फ्रेंड, क्या मैं चीज दिखाने वाली हूँ? चलो, मुंह पूरा लगा देती हूँ। क्या दिखाओगी? क्या ये देखो? क्या है ये घर? हाँ, उस दिन पलक सी खेल रही थी, वहाँ घर नहीं था। आज घर बना है। वो सब जैसे स्टोर रूम होता है ना, ये छत में जैसे बन गया है। वैसे स्टोर रूम बनाने के लिए यहाँ सीढ़ी पर जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर बना दिया स्टोर रूम। हाँ, यहाँ पे उस दिन तो स्टोर रूम नहीं था, आज बना दिए। ये सब कचड़ा वचड़ा रखने के लिए स्टोर रूम जैसा बना दिए। यहाँ पर खेल रही थी मैं। हाँ, यहाँ खेल रही थी, लेकिन अभी तो ये बन गया। हाँ, पलक सी साइड में खेलेगी और क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या देखेंगे? यहाँ घर बन रहा है। हम जा रहे हैं वहाँ पर, हवा नहीं आ रही खिड़की से। हाँ, क्योंकि ये जो घर बन रहा है ना, पूरा हमारे हाइट का हो गया है, 3 स्टार हो गया है ना। तो यहाँ भी पूरा हमारे घर को जो खिड़की से हवा आ रही थी, वो आना बंद हो गया। तो अलग से यहाँ सिर्फ गंदी होके खेलती है आके। देखिए गाइज, मतलब कि आज कितना सारा बर्तन मांजने के लिए रखी हूँ, झूठे बर्तन साफ़ करने के लिए। पलक सी गई है खेलने, आज थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो ऐसे ही रख दी हूँ, नहीं तो खाने के बाद ही मैं सब साफ़ कर देती हूँ। आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए ने साफ़ नहीं की हूँ। तो अभी दिखाती हूँ कितने सारा कपड़े भी मैंने साफ़ की है, कितने सारे कपड़े साफ़ किए, क्योंकि बारिश की वजह से साफ़ नहीं हो पा रहा था। वो जो पूरा एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया, 2-3 दिन हुए, मतलब बारिश नहीं हो रहा है, नहीं तो हो रहा था, इसलिए कपड़ा नहीं साफ़ हो रहा था। आज साफ़ हो गया, अच्छा लग रहा है। पलक सी का, उसके पापा का और कुछ मेरा भी रह गया था। मामा, खेल के आ गई? नहीं मम्मी, मैंने खेल के नहीं आई। मैं चुप हो जाओ। लिजुन दीदी का संग छुपन छुपाई खेल रही हो? अरे जोर से बोलो कुछ। नहीं, लिजुन दीदी को सुनाई नहीं देगा, तुम बोलो। छुपन छुपाई खेल रही हूँ। ओके। अब घर में आई हो? घर पे छुपने की जगह है ना। ओके। वो उनके घर पे जाओगे तो वो पहचान जाएंगे। मैं उनके घर हूँ। ओके, इसको देखो कैसे घर में आके छुपी है। धीरे जाओ, गिर जाओगी। कर रहे हो बेटा? खत्म हुआ मम्मी। हो गया? हाँ। रखने जा रही हो? हाँ। हाँ जाओ, रख के आओ। हाँ ठीक है, ठीक है मम्मा। मम्मी क्या है? ए मम बेटा, एक चीज मंगाई थी ऑनलाइन से, अच्छा नहीं है, उसको मैं रिटर्न करता हूँ। हाँ कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं, वो बच्ची हो, पता नहीं चलेगा वो क्या है। वो रिटर्न कर दूंगी, वो अच्छा नहीं है तो इसीलिए रिटर्न कर दूंगी। अच्छा नहीं लगा सुबह आपने ये किया था? हाँ ठीक है। खाना खत्म हो गया? नहीं। क्या नहीं खत्म हो गया और नहीं बोले हो? ये क्या है? हाँ खा लो। मम्मी बहुत परेशान। क्या? क्यों परेशान हो? इतने छोटी सी बच्ची क्या परेशानी है, बोलो। आपको पता नहीं बच्चे क्लास करते हैं? हाँ क्लास करता, अच्छी बात है ना। पर मैंने मिस जो लिखाए थे वो मैंने डांट नहीं लिखा। मैं कल डांटी कि इसलिए मैं खाने के बाद लिखूंगी। हाँ खाने के बाद लिख देना। परेशानी क्या है तुम? क्योंकि वो क्लास में क्यों नहीं लिखती हो? आज क्यों नहीं लिखा है? हर दिन लिखती हूँ क्लास में, एक ही बच्चा होता है, मैं लिख देती हूँ रात में। हाँ ठीक है, क्लास खत्म, सॉरी अभी खाने के बाद लिख देना, ठीक है। हाँ।
रस्सी बांध रही है। हाँ अच्छी बात होती है, खुद का बर्तन खाने के बाद मांझना। हाँ कितना मांझती हो बेटा, आज तो मांझ दिया थोड़ा थोड़ा। हाँ आज जिद्दी करके मांझ रही हो, मैं मना की, कितना मना की हूँ फिर भी मांझ रही हो। बोल रही है कि खाने के बाद घूमू, इधर वो थोड़ा दिखाओ, सब देखेंगे पलक से कितना काम करे। हाँ ठीक है जल्दी करो, चलो तुम्हारे लिखाई है ना, लिखोगी ठीक है। सास का टाक नहीं क्यों, परेशान हो जाती हो, बोल रही हो और ये करियो, जल्दी करो। सास के लिए इतना ही, अगर मैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल बटन जो है ना उसको क्लिक कर देना। तब तक के लिए बाय।